YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गुप्त सूचना के आधार पर पलामू पुलिस ने रामगढ़ से भाकपा माओवादी सदस्य भगवान साव को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधी छतरपुर में स्थित बीएसएनएल टावर को जलाने सहित कई कांडों का अभियुक्त है। प्रेस वार्ता कर जिले के एसपी इंद्रजीत माता ने कहा कि भगवान साव की तलाश पुलिस को लंबे समय से थी, इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक उपलब्धि है। एक तीसरी घटना जो हुई थी उसमें छतरपुर में 2013 में एक दिनादून में एक मोबाइल बीएसएनएल के टावर में आग लगाया गया था माओवादियों के द्वारा, राकेश भुइयां के दस्ता के द्वारा। तो उसी के संगठन का एक जो भाकपा माओवादी सदस्य भगवान साव, इसको जो है अरेस्ट किया गया है। ये लक्ष्मीपुर नौडिया बाजार का रहने वाला है। तो अभी ये रांची में किसी होटल में जो है हलवाई का काम करता था, लेकिन निश्चित रूप से आज जो अर्बन नक्सलिज्म का जो खतरा बढ़ा है उसके तहत भी हम लोग लगातार ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं नक्सल आंदोलन, नक्सल जो भाकपा माओवाद का जो एक घटना है उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तलाश करके उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो इसके ऊपर जो मैं वारंट भी था और कोर्ट का इश्तिहार भी प्राप्त था, तो इसको जेल भेजा जा रहा है। और कुल मिला के जो है ये भी एक अच्छी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं छतरपुर में ऐसे एलिमेंट हैं जो भविष्य में भी माओवाद के खतरे को माओवाद के खतरे को उभारने में सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर हमारी कड़ी निगरानी है।